हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 के अकॉर्डिंग आज की फिर वीडियो में हम बात करेंगे। सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। आपको क्या करना है, रुकावट चाहे जैसा भी हो, वो चाहे पीएफएमएस का रुकावट हो, एफटीओ का हो या स्टेट अप्रूवल को, आपको स्टेटस चेक करना है। इसके बाद पता करना है कि आपका जो रुकावट है वो आपका पेमेंट किस लिए नहीं मिला है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 15 दिन में आपकी समस्या हल कर दी होगी और आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे सब कुछ। आप पीएफएमएस क्या है, एफटीओ क्या है और स्टेट अप्रूवल क्या है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि ये तीनों है क्या, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जिनको नहीं मिला है वो क्या करेंगे तो उनका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था, आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, बट आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उस वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बात करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, अकाउंट नंबर प्रॉब्लम हो या आधार ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो या आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो उससे प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम हो, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो को दोस्तों बहुत लंबा भी नहीं करूँगा, शॉर्ट में ही सब कुछ आपको बता दूंगा ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी आपके किसान भाई हैं सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए पैसा भी उनको नहीं मिला हो तो उनको ये काम करने के बाद उनका पैसा उनको अकाउंट में 15 दिनों में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, करना क्या है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो पीएम किसान .gov.in मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यही आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, इस पे आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको फॉर्म और कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए आपको क्या करना है, आपको कर भी लें। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना करते हुए मैं सब कुछ क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, आपको फॉर्म और कॉर्नर पे आना है, तो फॉर्म और कॉर्नर पे आएंगे तो आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, तो जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने इस पर क्लिक भी किया है, इसी पे आपको जस्ट क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। चलिए इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, इसके बाद की प्रक्रिया आगे चल के बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैं पीएम किसान निधि सम्मान निधि के इस पे आ चुका हूँ, बेनिफिशियरी स्टेटस, नो योर बेनिफिशियरी स्टेटस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नो बेनिफिशियरी स्टेटस। आप बेनिफिशियरी स्टेटस दोस्तों वो किस प्रकार से चेक किया जा सकता है, सबसे पहले या तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने जिस किसान का भी कराया है उस किसान का आपका आधार नंबर होना चाहिए, या उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, या उसका मोबाइल नंबर जो कि इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो तो आप चेक कर सकते हैं। करना क्या होगा, जो भी आपके पास डेटा है उसको इसमें डालना है। जैसे मान लीजिए आपके पास आधार से चेक करना है तो आधार नंबर इसमें आप डालेंगे, इसके बाद यहाँ से गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे किसान का सब कुछ आपको खुल जाएगा कि उसका प्रॉब्लम कहाँ से है, या उनका पैसा आया है या नहीं आया है, उनका एफटीओ से रुका हुआ है, स्टेट अप्रूवल से रुका हुआ है, या पीएफएमएस ने रिजेक्ट किया है। ठीक है, जो भी होगा सब कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये कि पीएफएमएस क्या है। पीएफएमएस ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों मतलब क्या है इसका, कोई भी गवर्नमेंट है तो इसी के थ्रू आपका जो पैसा है ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, जो पीएम किसान सम्मान निधि है आपको पीएफएमएस के थ्रू ही आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे होता है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आपको अकाउंट होना चाहिए, सबसे अकाउंट की पहले बात कर लेते हैं। अकाउंट तो अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी अकाउंट हो वो सेविंग अकाउंट हो या फिर जनधन अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी नंबर चीज़, आपका जो अकाउंट है वो जैसे कि मान लीजिए आप संयुक्त, कुछ लोग होते हैं ज्वाइंट खाता खुलाते हैं जिसको संयुक्त भी कहते हैं, तो संयुक्त या ज्वाइंट खाता है तो जो आपका बेनिफिशियरी है यानी कि जो जिस किसान का सम्मान निधि योजना में लाभ लेना है तो लाभार्थी प्राथमिक यूज़र होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक यूज़र होगा तो भी उसके ज्वाइंट खाता में उसका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पीएफएमएस के द्वारा भेजा जाएगा। अदरवाइज उसका यदि वो द्वितीय उपभोक्ता है तो उसके अकाउंट में पैसा वहाँ से भी रुक जाता है। ठीक है, तो जो आप अपना अकाउंट नंबर दिए हैं वो आपका प्राथमिक यूज़र होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं, और आपका जो वो खाता है वो सबसे पहले तो जनधन खाता होना चाहिए। ठीक है, जनधन खाता हो या फिर आपका बचत खाता हो, इसी खाते संख्या को आपको देना है। और नंबर 3, यदि आपका आधार फेलर है तो ठीक है उसको आपको करेक्ट कराना है। आप किसी भी सीएससी सेंटर से जाकर के करेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, सीएससी जन सेवा सुविधा केंद्र, ठीक है,
ऐसे आपको कोई भी मतलब शॉप होगी, दुकान होगी आपके क्षेत्र में, जाके वहां से करा सकते हैं। FTO दोस्तों, FTO की बात कर लेते हैं। FTO क्या है? ये है दोस्तों फंड ट्रांसफर ऑर्डर। ठीक है, आपका जो फंड है उसके लिए ट्रांसफर ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत से लोग होंगे जब उनका स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो आपका जो स्टेटस में FTO जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड लिखा होगा, इसका मतलब ये दोस्तों कि आपका सब कुछ सही है और आपका FTO है वो जनरेट कर दिया गया है। इसका मतलब है आपका जो फंड है उसको ट्रांसफर करने के लिए आर्डर मिल चुका है, बट आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये भी बात मैं भी बताऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले क्लियरली करते चल दूँ इसका मतलब क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सबके लिए दोस्तों एक ही चीज़ करना है, मैं अभी एक ही बार में बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे है स्टेट अप्रूवल। दोस्तों स्टेट अप्रूवल, दोस्तों स्टेट अप्रूवल क्या है? यदि सब कुछ सही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव करती है, इसके बाद आपको PFMS मतलब FTO जनरेटेड होता है, इसके बाद PFMS के पास जाता है, PFMS आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? PFMS, और PFMS आपका जब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी तो 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब दोस्तों ये चीज़ आपने समझ लिया, दोस्तों आपका स्टेटस चेक कैसे करना है मैंने बता दिया, आपका PFMS से रुका हुआ है या फिर आपका FTO जनरेटेड लिख रहा है या फिर आपका स्टेट अप्रूवल बाकी है। तो स्टेट अप्रूवल बाकी है तो दोस्तों आपका सब कुछ सही है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बट आपको क्या करना होगा। दी आपके कई महीनों से रुके हैं, बहुत से लोग हैं जो बता रहे हैं कि 2 महीने से आपका FTO जनरेटेड लिख रहा है लेकिन अभी कुछ भी कंप्लीशन नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो बहुत से लोग हैं जो उनको एक किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त नहीं आई है, तीसरी किस्त नहीं आई है, बहुत से लोग हैं जिनकी चारों किस्त आ चुकी है। मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों फ्रेंड दिखा दूँ आप फ्रेंड्स, ये देख पा रहे होंगे कि एक इन्होंने अपना, मैं इनका दोस्तों नाम नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको ये दिखा देता हूँ। इनको देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हुआ है दोस्तों वो फरवरी 2019 में हुआ है और इनका जो है बैंक अकाउंट नंबर मिसमैच था, तो मैंने इनको बताया कि कैसे करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, बैंक अकाउंट नंबर आपका मिसमैच हो तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपनी तहसील, ठीक है, आपकी जो भी तहसील होगी तहसील पर जाएंगे, आपके जो लेखपाल होंगे उनसे मिलेंगे और आपके अपना बैंक पासबुक, ठीक है, बैंक पासबुक और अपना आधार कार्ड और आपका ये जो आपको स्टेटस दिख रहा है, इस स्टेटस का आपका यदि बैंक अकाउंट नंबर से आपको रिजेक्ट किया गया है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका आपको एक प्रिंट, ठीक है, 3 कॉपी आपको ले जा करके उनको सबमिट करनी है। इसके बाद वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन दोस्तों कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे PM किसान सम्मान निधि का ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको एक CSC लॉगिन मिल रहा होगा, एक लॉगिन मिल रहा होगा। दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो CSC के माध्यम से करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, आपको तहसील से ही कराना होगा। तहसील से जाकर क्या करना होगा, तो उनको देंगे तो यहाँ से एक लॉगिन का जो है ऑप्शन, इस पर वो क्लिक करेंगे तो उनको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया मिला होता है PM किसान का, तो वहाँ से उन लोगों को अप्रूवल कर सकते हैं, वहाँ से जो भी डेटा में करेक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। एक्चुअली में डेटा आपका गलत हुआ कैसे, आपका भरते समय ही गलत हो जाता है या कभी कभी आपने ऑफलाइन भरा होगा तो वहाँ से डेटा में कुछ कमी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से गलती हो जाती है, तो इसके लिए आप यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस जा करके ये काम करिए कि आप अपना बैंक पासबुक, अपना आधार कार्ड और आपका जो स्टेटस है उसका एक प्रिंट कॉपी आपको ले जा करके अपनी तहसील पे लेखपाल को सबमिट करना है, जिसके बाद से वो आपके जो डेटा है उसको करेक्शन कर देंगे। यदि आपका अकाउंट नंबर गलत है तो उसको करेक्शन कर देंगे, आपका यदि IFSC कोड गलत है तो उसको वो सही कर देंगे, जिसके बाद आपका 15 दिन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, 15 दिन के अंदर आपका जो किसान सम्मान निधि का पैसा है आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, जो इस आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग होते हुए एक टोल फ्री नंबर दिखा रहा है जो पहले नहीं दिखा रहा था, अभी जल्दी दिखा रहा है। तो आपको करना क्या, यदि आपका FTO जनरेटेड है, ठीक है, बहुत से लोग होंगे जिनका FTO जनरेटेड है और स्टेट अप्रूवल से रुका हुआ है, ठीक है, तो वो इस नंबर पे फ़ोन करेंगे और कहेंगे अपना जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर होता है, ठीक है फिर आपका रजिस्ट्रेशन देखिए स्टेटस, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपसे पूछा जाएगा, आपका कुछ छोटी सी डिटेल्स ली जाएगी उस कॉन्टैक्ट पे, आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपको उस आपको जो भी डिटेल मांगा जाए आपको दे दीजिए। इसके बाद आपको वहाँ से बताया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है और कब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप ऐसे भी करके अपना पेमेंट मंगा सकते हैं FTO का, ठीक है। और स्टेट अप्रूवल भी रुका हुआ है तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसी नंबर पे कॉल करना है और आपको बताना है कि हमारा स्टेट अप्रूवल इतने दिनों से रुका हुआ है और हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहा है, तो वहां से आपका जो स्टेट अप्रूवल है अप्रूव करा दिया जाएगा। बस आपको एक छोटा सा कॉल करना है, जो कि मैंने नंबर बताया डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर टोल फ्री जो नंबर दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको काम करना है, और यदि आपका अकाउंट नंबर गलत है तो आपको आपके तहसील पे जाना है, वहां से आपको लेखपाल के माध्यम से आपका
जो डेटा है उसको सही करा लेना है। इसके बाद आपको 15 दिन के अंदर आपका अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यदि आपका आधार गलत है, ठीक है, आधार आपका गलत हो चुका है दोस्तों। अब आधार गलत हो चुका होगा तो उसके लिए आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी CSC सेंटर से जाकर भी करा सकते हैं, ठीक है। अब CSC सेंटर के माध्यम से भी करा सकते हैं जो भी आपका आधार में करेक्शन बाकी हो। अब दोस्तों दिखा दूं यहां से, देखिए इनको मैंने बताया था ना आपको कि 27 फरवरी 2019 को इन्होंने आवेदन किया था और इनके अकाउंट में गड़बड़ी थी, जो कि यहां पे अभी यहां पे देख पा रहे होंगे कि फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई PFMS या बैंक, ठीक है। और इनका जो PFMS का जो रिस्पांस कब हुआ है वो 18 दिसंबर 2019 को हुआ है, ठीक है। इन्होंने कराया और देख पा रहे होंगे 18 दिसंबर को इन्होंने अप्रूव कराया और 2 जनवरी को उनका अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आप गिनती कर सकते हैं कि इनका 15 दिन के में इनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और उनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोस्तों, अभी अगला इंस्टॉलमेंट जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, अब इनका भी अगला जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो स्टेट अप्रूवल से रोका गया है। लेकिन बस दोस्तों आपको बता दें, इनके अकाउंट जो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है पेमेंट डन, तो इनके अकाउंट में पूरे आपको जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट तक इनके अकाउंट में एक ही बार 6,000 रुपये आ चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट इनके अकाउंट में एक बार में ही 6,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। और आगे बात करते हैं, जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट बहुत से लोगों की नहीं आई हुई है, तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, बहुत से लोग अभी बाकी हैं जिनका अभी फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। तो आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट यदि आपका सब कुछ सही था, 3 इंस्टॉलमेंट आई है, तो चौथी भी आपकी आ जाएगी। 2-4 दिन 10 दिन का वेट कर लीजिए, इसके बाद भी आपका नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, आपको इस पर भी एक नई वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों एक यहाँ पे आप देख लीजिए इनका, जैसे कि मैं बता दूं आपको, चारों इंस्टॉलमेंट आई है, इसका भी आप प्रूफ देख लीजिए दोस्तों, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड और फोर्थ, देख पा रहे होंगे इनकी चारों इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। इनका सब कुछ सही था, इनका जो PFMS रिस्पॉन्ड डेट है वो 23 जुलाई का था, फार्मर रिकॉर्ड एक्सेप्ट था PFMS और बैंक के माध्यम से, इनका कोई भी गड़बड़ी नहीं थी और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके कोई भी डिटेल में कमी हो तो आप उसको संशोधन कराइए, इसके बाद आपके जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिए, आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट्स करिए। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।